नमस्कार जी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं गर्व से निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मूलांग भाग्यांक की सीरीज में मूलांग 4 और भाग्यांक 3, जो हमारा 81 का कॉम्बिनेशन का सीरीज चल रहा है। मूलांग 4 और भाग्यांक 3 वाले लोग कैसे होते, इनकी लव लाइफ, इनकी रिलेशनशिप, इनका करियर, ओवरऑल इनको कैसा बिजनेस होता है और इनकी पूरा करियर कैसा होता है, इनकी स्वभाव कैसा होता है, इनकी नेचर कैसा होता है और आने वाला साल भी इनके लिए कैसा रहना, इस पर हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप अगर न्यूमरोलॉजी का क्लास करना चाहते हैं, आप अगर हमसे सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही सरल और एक ऐसे टेक्निक से, साइंटिफिक टेक्निक से आपको बताने का प्रयास करूंगा, नंबर के माध्यम से आप कैसे अपने लाइफ के बारे में जान सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं। इस साइंस को, न्यूमरोलॉजी को सीख के आप प्रोफेशनल भी बन सकते हैं, एक अच्छे लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप अपने पर्सनल लाइफ को या फैमिली लाइफ को भी आप लाइफ में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहते हैं, अगर हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी, डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो भी दिए गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पर नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4। जिन व्यक्तियों का जन्म की तारीख 4 तारीख, 13 तारीख, 22 या 31 तारीख होगा, वह मूलांग 4 से होते हैं। मूलांग 4 भाग्यांक कैसे निकालते हैं, आप सभी वीडियो में समझे होंगे। भाग्यांक यानी कि आपका जो डेट है, डेट, मंथ प्लस ईयर, ये तीनों को जोड़ने के बाद उसे सिंगल डिजिट में निकालना है, और जो सिंगल डिजिट में आएगा 3, वो आपका भाग्यांक होगा। मूलांक और भाग्यांक जो होता है, अब एक कॉम्बिनेशन 4 और 3 से माना जाता है। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा भी माना जाता है। 4 नंबर होता है राहु का, जो माइंड का पावर, दिमाग का बहुत तेज होता है, बोलते हैं ना सातिर दिमाग होते हैं, इनकी माइंड एजन बिल्कुल शतरंज जैसा होता है, और क्रांतिकारी व्यक्ति भी होते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और अपने माइंड, दूसरों की मन के बात को जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता इनके साथ बृहस्पति भी है। जब 3 नंबर आता है, यानी कि जुपिटर बृहस्पति, जो नॉलेज, ज्ञान देने वाला है, एक तरफ दिमाग और दूसरा तरफ ज्ञान, जब दोनों मिलेगा तो कहीं कहीं न कहीं आपके मन की बातें ऐसा व्यक्ति समझ जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर के स्वामी राहु और इनके साथ ज्ञान के देवता बृहस्पति है, यानी जुपिटर है। ये लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़े ही जागरूक और अलर्ट रहते हैं। ऐसे लोग जो है ना, हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने के, करने के लिए सोचते रहते हैं और करते भी हैं, क्योंकि जीवन में लगता है कुछ न कुछ करना है, क्योंकि ज्ञान भी है और दिमाग भी है। और ऐसे लोग खुद को, जब भी इनका जो सोच होता है ना, लगता है कि हमेशा लाइफ में अपर पोजीशन पर जाओ, ऊंचा पोस्ट पर जाओ, ऊंची लेवल पर रखना, ऊंचा जगह पर जाना, या तो जॉब करेंगे तो बहुत हायर, बिजनेस का भी इनका जो शौक रहेगा, बहुत ऊंचा लेवल का बिजनेस करना इनको पसंद होता है। साथ ही साथ जो होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं मूलांक 4 और 3 वाले, ये लोग राजनीतिक भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि 4 नंबर है दिमाग का, और राजनीतिक भी दिमाग से खेले जाते हैं। तो ऐसे लोग राजनीतिक में, यानी पॉलिटिकल लाइफ में भी अच्छे करते हैं। इन्हें कोई कार्य दे दो तो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, वो क्षमता होता है, जो कैसे भी टफ कार्य हो ये कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई मूलांक वाले से अगर काम नहीं हो रहा ना, आप 4 नंबर वाले के पास आ जाएं, ऐसे लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है, और कोई भी कार्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ ऐसे अगर बात करें, कभी कभी ऐसे लोग जो है ना, ईगोस्टिक भी हो जाते हैं, ईगो हो जाता है, वो किस चीज़ का, ज्ञान का, नॉलेज का, क्योंकि 3 नंबर है ना, 3 नंबर जब आता है तो नॉलेज भी बढ़ाता है, ज्ञान भी बढ़ाता है, बट ज्ञान का कभी कभी घमंड भी हो जाता है, ईगो हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर है तो यहाँ दिमाग भी है और यहाँ पे ईगो नॉलेज का भी आ जाता है। इस कारण कभी कभी ऐसे लोग लाइफ में धोखा भी खा जाते हैं, और धोखा की वजह से लाइफ में नीचे भी आ जाते हैं। ऐसे लोगों की बात करें तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए थोड़ी स्ट्रगल, मुश्किलें भी आती है, तो ऐसे लोगों को ध्यान देना है कि आप अपने संगत, आपका जो संगत है, उस संगत को आपको सुधारना है। अच्छे संगत करेंगे तो लाइफ में अच्छा व्यक्ति बनेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, और बुरी होगा अगर गलत संगत में पड़ेंगे तो लाइफ में बर्बाद भी हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है एक अच्छा भी माना जाता है, बट आपको संगत का ध्यान रखना है, क्योंकि कहावत है जैसी संगत वैसी रंगत, तो आपका संगत, आपका फ्रेंडशिप, आपका सर्कल अगर अच्छा होगा तो लाइफ में अच्छा करेंगे, और जीवन में कभी भी नॉलेज का, ज्ञान का घमंड नहीं करना है। आप अगर इन चीज़ों को त्यागते हैं, और बुरी आदतों से स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बृहस्पति अगर ऐसा करते हैं तो राहु और आपको परेशान करेगा, साथ ही में गुरु और आपका खराब होगा, और कुंडली का अगर आपका गुरु खराब होता है तो लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, परेशानियाँ भी देखने को आपको मिलेगी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा आने वाले वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, ओम शांति।